एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजोन के लहंगे का रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से लहंगे का रिव्यू और अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। पास में है बेल आइकन, जरूर से जरूर डन कर देना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। तो विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो लहंगा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लहंगा है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया था, बट इसके बॉक्स में से मैंने अभी पॉली बैग में से इसे खोल के नहीं देखा है कि ये निकला कैसा है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि ये कैसा निकलता है। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी इसकी रिसीव हुई है। इस तरीके का ये पॉली बैग, जिप वाला पॉली बैग रिसीव हुआ है प्लास्टिक का। तो ऑल ओवर पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका ब्लाउज। तो इसका ब्लाउज कुछ मुझे इस तरीके का रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये ब्लाउज पीस है। फ्रंट का पोर्शन है ये, और पूरे पे इस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और पूरे पे जो चैन वर्क है, डायमंड वर्क है, आप किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ब्लाउज पीस है। मटेरियल की बात करते हैं, फैब्रिक इसका जॉर्जेट फैब्रिक है। बहुत ही प्यारा मुझे ब्लाउज पीस लगा। तो मैं साइड में इसकी पिक्चर अपलोड कर दूंगी, जिस तरीके से उसमें स्टिच करवा रखा है। तो आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसा ब्लाउज पहनना पसंद नहीं करते तो आप और कोई भी डिजाइन से इसको स्टिच करवा सकते हैं। तो ये लहंगा जो है हमें सेमी स्टिच रिसीव होता है, और इसमें ब्लाउज जो आता है अनस्टिच्ड आता है। तो इस तरीके का आपको इसमें फैब्रिक मिल जाएगा। ये है फ्रंट का पोर्शन, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक लगा मुझे ये। तो अगर आप एक्सल तक साइज में भी हैं, तो एक्सल तक ये आराम से फिटिंग हो जाएगा। आप इस बात करते हैं बैक के पोर्शन की। बैक का पोर्शन मुझे सिंपल ये वाला जो है फैब्रिक रिसीव हुआ है बैक के पोर्शन के लिए। और इसके कलर की बात करती हूँ, तो ये बहुत ही ब्राइट सा रेड कलर है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिस तरीके से इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उस ब्लाउज का डिजाइन। तो अगर आप चाहे वैसे स्टिच करवा लें, ये बिल्कुल प्लेन आपको जॉर्जेट का कपड़ा मिलेगा, और एक्सल तक साइज में आपकी आराम से फिटिंग हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके इनर की। इनर के लिए भी इन्होंने एक कपड़ा दिया हुआ है। इसमें आपको एक साटिंग का कपड़ा मिलेगा, जो कि काफी लंबा कपड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कपड़े की लंबाई और चौड़ाई है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा। काफी अच्छा इन्होंने साटिंग का कपड़ा दिया हुआ है इनर के लिए भी। तो ब्लाउज के लिए आपको ये थ्री पीस रिसीव होंगे, और स्लीव्स आप लगवा सकते हैं। इसमें से भी स्लीव्स बच जाएंगी, क्योंकि कपड़ा काफी अच्छा इन्होंने एक्सल साइज तक का दिया हुआ है। नहीं तो आप अलग से भी मार्केट से कपड़ा परचेज करके स्लीव्स लगवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पहनना पसंद करते हैं। तो ब्लाउज का मुझे जो है ये वाला पार्ट है बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहनने के बाद और स्टिच कराने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है गाइस। तो गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका लहंगा। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये लहंगा मुझे रिसीव हुआ है, और ये भी आपको पूरा रेड कलर में ये लहंगा मिलेगा। बहुत ही ब्राइट सा कलर है, पूरा ब्राइट वाला रेड कलर है। तो काफी अच्छा ये लहंगा रिसीव हुआ है। इसमें पूरे पे जो है चेन वर्क एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और पूरे पे जो है इस तरीके के डायमंड वर्क किया हुआ है। छोटे छोटे डायमंड्स लगाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं इस तरीके के इसमें छोटे छोटे डायमंड लगाए हैं। पूरे ओवरऑल लहंगे में ये वर्क किया हुआ है, और ओवरऑल पूरे लहंगे में इस तरीके से डायमंड लगाए हुए हैं। अगर आप ये लहंगा रिसेप्शन में वियर करते हो, वेडिंग अकॉर्डिंग वियर करते हो, तो काफी प्यारा सा लहंगा है, क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्राइट सा कलर है इसका। तो उस अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, तो 1699 की प्राइस में मुझे ये रिसीव हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही हैवी सा लहंगा है, बहुत ही अच्छा फ्लेयर है इस लहंगे का। कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। अगर फैब्रिक की बात करते हैं, तो इस लहंगे का जो फैब्रिक है वो है प्योर जॉर्जेट फैब्रिक दिया हुआ है। तो काफी अच्छा लहंगा लगा, फैब्रिक अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। अंदर की साइड इसमें आपको पूरे में इनर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से पूरे में अंदर की साइड साटिंग का इनर लगा हुआ है, तो आपको इसमें इनर लगवाने की भी नीड नहीं होगी। तो ये एक सेमी स्टिच लहंगा है। तो इसकी अगर वेस्ट की बात करें, तो ये डबल एक्सल है, एक्सल तक साइज में आराम से फिट हो जाएगा, क्योंकि अप टू 42 इंच का लहंगा है। तो उस अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा फिटिंग हो जाएगा। लेंथ की बात करते हैं, तो इसकी लेंथ आपको 44 इंच की मिलेगी, और काफी अच्छा लेंथ मिल जाएगी। अगर आप इसमें हील्स भी वियर करते हैं, जैसे मेरी हाइट है 5.5 इंच, उस अकॉर्डिंग भी अगर मैं वियर करूं, तो काफी अच्छी लेंथ है इसकी। तो नीचे इस तरीके का आपको इसमें बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही प्यारा सा जो है वर्क किया हुआ है, चेन वर्क है, पूरे पे इस तरीके से डायमंड लगाए हुए हैं। नीचे अब बात करते हैं कैन-कैन की। इसमें आपको अलग से कैन-कैन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें इन्होंने कैन-कैन भी लगा के दिया हुआ है पूरे पे अंदर। इस तरीके से जो नीचे बॉर्डर है,
इस पे इसमें सॉफ्ट कैन लगाई हुई है और जो लाइनिंग है यहाँ पे भी इन्होंने एक कैन की लेयर दी हुई है जो काफी अच्छा फ्लेयर आने वाला है इस लहंगे का, काफी अच्छा फ्लेयर आएगा। कैन के बिना जो लहंगा है उसमें फ्लेयर नहीं आता और आपको अलग से अगर आप कैन परचेज करेंगे और लगवाएंगे तो उसमें आपके काफी पैसे लग जाते हैं। तो 1699 की रेंज में इन्होंने लाइनिंग भी दी हुई है, कैन लगाई हुई है, लेंथ बहुत अच्छी है, जो इन्होंने ओवरऑल इस लहंगे पे वर्क किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, पूरे पे जो डायमंड वर्क है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, पहनने के बाद तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा ये लहंगा। तो ओवरऑल मुझे ये लहंगा बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत सा जो है चैन वर्क और डायमंड वर्क का लहंगा है। तो गाइस ओवरऑल अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे जरूर से जरूर बाय करें, बहुत ही अच्छा लहंगा है, शादी और रिसेप्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लहंगा है। इसका दुपट्टा भी आपको पूरा रेड कलर में रिसीव होगा और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ब्राइट कलर का दुपट्टा है, सेम कलर में आपको इसका दुपट्टा मिलेगा, चोली लहंगा और जो इसका दुपट्टा है वो सेम कलर में दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके फैब्रिक की, जो फैब्रिक है ये है जॉर्जेट का, बहुत ही पतला सा फैब्रिक दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, जॉर्जेट मटेरियल है इसका और इसमें पूरे पे इस तरीके से जो चारों तरफ बॉर्डर दिया गया है जो है चेन वर्क और एम्ब्रॉयडरी से पूरा बॉर्डर दिया गया है और इसपे भी पूरे पे डायमंड वर्क किया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही चौड़ी सी इसमें जो है लेस दी गई है। तो ओवरऑल मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, चौड़ाई की बात करते हैं तो काफी अच्छी इसकी आपको चौड़ाई मिल जाएगी दुपट्टे की भी और लेंथ भी इसकी 2.2 मीटर है, तो काफी अच्छी लेंथ दी गई है दुपट्टे की, आप देख सकते हैं इतना लंबा आपको ये दुपट्टा मिलेगा। तो दुपट्टे का फैब्रिक भी काफी अच्छा है और आप चाहें तो इसे कैसे भी लहंगे के ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ और चौड़ाई काफी अच्छी दी गई है, इन्होंने काफी अच्छी प्रोवाइड की है। इसका ट्राई ऑन हॉल बताती हूँ कि ट्राई करने के बाद ये लहंगा कैसा लगता है। तो आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।